कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप लोग को पता है कि एजुकेशन का संस्थान सारे बंद हो चुके हैं, लेकिन हम लोग एसपी मॉन्टेसरी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्लास सेवन के स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्लास सेवन के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आज हम लोग उनका चौथा चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं, तो आइए पहले हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। इन नंबर फॉर्म पी बाय क्यू, इन नंबर फॉर्म पी बाय क्यू मतलब पी क्या है? न्यूमरेटर है, क्या बेटा? न्यूमरेटर है। और क्यू क्या है? डिनोमिनेटर। जो इन नंबर पी बाय क्यू जो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में हो, ठीक है बेटा। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, q is not equal to 0, q is not equal to 0, या फिर कह दीजिए डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है बेटा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और p and q are integers, याद रखिएगा बेटा p and q are integers, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो उसी को कहते हैं रेशनल नंबर। ओके बेटा, अब रेशनल नंबर से कई कार्य होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल। आइए जानते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव आइए बेटे जानते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव का मतलब जानते हैं कि प्लस। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ये कहते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं जिनका वैल्यू प्लस में है जबकि पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए 3/2, ये क्या है? 3 के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या मानते हैं बेटा? पॉजिटिव मानते हैं। ये क्या है? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये देख लीजिए बेटा, ये देखिए -3/-2, -3/-2, ये भी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या आ जाएगा बेटा? 3/2। ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, याद रखिए। क्या क्या आप जानते हैं कि 2 भी रेशनल नंबर है? तो यस, 2 भी रेशनल नंबर है। तो आप पूछेंगे कैसे सर, आपने कहा कि जो p by q के फॉर्म में हो, p by q के फॉर्म में हो, लेकिन ये तो 2 p by q के फॉर्म में नहीं है। तो यस, p by q के फॉर्म में है, क्योंकि 2 by 1 हम कर सकते हैं। और आपने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि जो p by q के फॉर्म में हो और q is not equal to 0, तो यहाँ पर देखिएगा कि आप q 0 के इक्वल है नहीं, ये किसके इक्वल है? 1 के। इसलिए 2 भी रेशनल नंबर है। ओके, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन दौड़ा होगा, इज 0 रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या 0 रेशनल नंबर है? तो आपके दिमाग में आप सोचिए क्या है? है तो यस, एब्सोल्युटली 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको 2 के लेकर बताया कि इंटीजर्स के लिए है। तो क्या है बेटा? 0/1। तो हम इसको 0/1 के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए हमारा रेशनल नंबर के डिफाइन तौर पे ये एकदम सेट होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं कहा है कि p के p इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं कहा है। ये कहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 1। हमारा डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे सर कि क्यों नहीं, q इज इक्वल टू 0 होगा तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि देखिए बेटा अगर हम 0/1 और एंड 1/0 का वैल्यू पुट करते तो ये अलग होता है बेटा। अगर किसी भी चीज को 0 में डिवाइड करते हैं, 0 में डिवाइड करते हैं बेटा, तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। अगर किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट रहता है, इसको इंफिनिटी, जैसे कि इसको हम वेव कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओके बेटा, तो इसीलिए यह रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर इसका कोई वैल्यू ही नहीं आया तो हमको कैसे पता कि यह रेशनल नंबर होगा? तो इसलिए ये नंबर लेन को हम इसको दर्शा ही नहीं पाएंगे कि कहां पे होगा नंबर लेन। अगर रेशनल नंबर को अब आगे वाले चैप्टर में नंबर लेन को दर्शाने वाले, तो जब ये आएगा ही नहीं नंबर लेन पे तो कैसा रेशनल नंबर? इसीलिए इसको 1/0, 0 अगर जिसका भी होता है बेटा तो वो क्या होता है? इंफिनिटी होता है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होता है। ओके, तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। तो मैं आइए पहला क्वेश्चन आपके 4
पॉइंट वन का पहला क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी एक और बाकी है निगेटिव, क्या आता बेटा निगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव बताया जो प्लस में, नेगेटिव जस्ट उसका उल्टा जो माइनस में हो, जैसे माइनस वन ये क्या हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। और याद रखिए माइनस टू बाय माइनस थ्री ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो टू बाय क्या हो गया थ्री हो गया, जो कि ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव में नहीं देंगे सिर्फ ए। ये देखिए माइनस टू बाय थ्री ये क्या है निगेटिव होगा, इसको जब वैल्यू आएगा तो निगेटिव में आएगा। और आते हैं बेटा यहाँ टू बाई माइनस थ्री ये भी क्या होगा बेटा निगेटिव होगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है। हालांकि डिनोमिनेटर में हम माइनस का सिंबल नहीं रखते हैं इसलिए इसको ऊपर कर देते हैं माइनस टू बाई थ्री, ये दोनों एक ही इक्वल होते हैं बेटा। ओके तो आपको पता है निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो आइए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक आइए हम एक्सरसाइज अपन पूरा करते हैं। पहला कह रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। बताइए कि इसमें पहला क्वेश्चन है माइनस सेवन बाई फाइव। अब मैंने आपको बोला था ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, इसमें बोला कि न्यूमरेटर को लिखिए क्या होता है, न्यूमरेटर को क्या कीजिए लिखिए, इसमें न्यूमरेटर क्या है माइनस सेवन, क्या लिखेंगे बेटा माइनस सेवन। हालांकि याद रखिएगा बेटा अगर सेवन बाई सॉरी देखिए बेटा सेवन बाई अगर माइनस फाइव रहेगा अगर इसमें पूछेगा कि न्यूमिनेटर क्या है तो याद रखिएगा। हालांकि हम इसको माइनस सेवन बाई फाइव लिख सकते हैं लेकिन यहाँ केवल यह पूछा है इसमें कि न्यूमिनेटर क्या है, इसमें न्यूमिनेटर प्लस सेवन ही होगा। ओके प्लस सेवन ही होगा। हालांकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों इक्वल है लेकिन यहाँ पर केवल पूछा कि न्यूमिनेटर क्या है तो प्लस है। ओके तो नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में पूछा है इसी का जस्ट उल्टा डिनोमिनेटर बताइए। तो जैसे कि माइनस फोर बाई फाइव इसका डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है बेटा तो डिनोमिनेटर इसको क्या लिखेंगे प्लस फाइव, अगर यही होता फोर बाई माइनस फाइव तो क्या होता बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या होता है माइनस फाइव। ओके तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझोगे, अगर नहीं समझोगे तो टेंशन मत लीजिएगा, इस आईडी पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये डाउट मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। और सुरक्षित रहिएगा घर पे और समय समय पर हाथ धोते रहिएगा, क्योंकि आपको देख ही रहे हैं कि हमारा देश कितनी महामारी से जूझ रहा है, और देश का साथ दीजिए। ओके गुड लक गुड बाय थैंक यू।